हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल योर इंटरनेट हेल्पर। आज है 5 अप्रैल और आज के इस डेट में जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं हम इस वीडियो में हमेशा की तरह डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, बीच में स्किप ना करें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें और भी इनक्रेजमेंट मिलती है आगे भी ऐसे कॉन्टेंट आपके लिए लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और फिर आपको एक बात बता देते हैं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन हम आपके लिए तैयार करके लाते हैं डेली, वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी इंडिया में होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो देख लेते हैं आज की क्या क्या इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, व्हिच स्टेट हैज़ रिसेंटली आस्क्ड सेंटर टू बैन टिकटॉक ऐप। आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, बी दिल्ली, सी महाराष्ट्र, डी केरला। तो इसका जो सही जवाब है वो है तमिलनाडु, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने रिसेंटली सेंटर को अर्ज किया है कि जल्द से जल्द टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया जाए, जैसे दूसरे कंट्रीज़ में भी बैन करना शुरू हो गया है। क्योंकि उन लोगों का मानना है टिकटॉक ऐप के ज़रिए बच्चों का भविष्य खतरे में है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गंदे काम में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं इस ऐप के ज़रिए। उन्होंने सेंटर से यह अपील की है कि टिकटॉक ऐप को जल्द से जल्द बैन कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ रिसेंटली बीन कोर्ट फॉर डाटा ब्रीच ऑफ मिलियंस ऑफ यूज़र। जैसे कि आपको मालूम होगा डाटा ब्रीच मतलब डाटा चुराना, तो इनमें से कौन सा कंपनी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिससे डाटा चुराया गया है यूज़र का। तो इसका आपका ऑप्शन है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम। तो इसका जो सही जवाब है वो है फेसबुक। जैसे कि आपको पता होगा कुछ दिन पहले भी फेसबुक बहुत चर्चा में रहा है इसी वजह से, डाटा ब्रिज की वजह से, क्योंकि अभी जो फ़िलहाल प्रॉब्लम आई है सामने वो है कि फेसबुक के लगभग 500 मिलियन से ज़्यादा यूज़र का डाटा एक्सपोज हुए, लगभग 500 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स के डाटा पाए गए हैं अमेज़न के सर्वर पे, जो कि मतलब वो आसानी से कोई भी चुरा सकता है। इसलिए फिर से फेसबुक चर्चा पे रहा है, तो ये भी क्वेश्चन आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में बन के आ सकता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, व्हिच आईपीएल टीम हैज़ बिकम द फर्स्ट टू रजिस्टर 100 विंस। जैसे कि अगर आप आईपीएल देखते होंगे तो आपको पता होगा कि आईपीएल अभी फ़िलहाल चल रहा है आईपीएल, तो एक ऐसा टीम है जो पूरे आईपीएल के जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है तो पहला टीम बनी है जो कि पूरे 100 मैच जीत चुकी है। तो उसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या है आप बताइए, चेन्नई सुपर किंग, कोलकाता नाइट राइडर्स, सी मुंबई इंडियंस, डी सनराइजर्स हैदराबाद। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। अगर आप अभी सामने आने वाले किसी भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पता है चेन्नई सुपर किंग्स डाल के आएंगे, जो लोग मैच देखते होंगे, क्योंकि किसी को तो डाटा पूरा मालूम नहीं है, फिर भी लगेगा कि चेन्नई सुपर किंग्स ही है या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स। लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है मुंबई इंडियंस, क्योंकि मुंबई इंडियंस ऐसा पहला टीम बना है जो आईपीएल में 100 मैच ऑलरेडी जीत चुकी है और रिकॉर्ड बना चुकी है ये। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हैज़ बीन अवार्डेड ज़ायद मेडल बाय यूएई। यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से कौन से लीडर को ज़ायद मेडल दिया गया है। तो इसका ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, जेसिंडा आर्डर्न, जस्टिन ट्रूडो। इसका जो सही जवाब है वो है हमारे देश का ही पीएम नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो हम आपको बता दें ज़ायद मेडल क्या है। ज़ायद मेडल जैसे हमारे भारत में भारत रत्न सबसे मतलब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वैसा ही है ज़ायद मेडल यूनाइटेड अरब अमीरात का। तो उन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को यह अवार्ड देते हुए नवाजा है। ठीक है, तो इस ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकता है आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में, याद रखिएगा आप लोग ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच मोबाइल नेटवर्क रिसेंटली गॉट लाइसेंस फॉर इन फ्लाइट कनेक्टिविटी। यानी कि इनमें से कौन सा मोबाइल नेटवर्क है जिसको इन फ्लाइट कनेक्टिविटी का लाइसेंस दिया गया है। अब ये इन फ्लाइट कनेक्टिविटी क्या होता है हम अभी आपको बता देंगे। तो आपका ऑप्शन है एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, नन ऑफ दिस। इसका जो सही जवाब बनता है वो है बीएसएनएल। ठीक है, तो ये इन फ्लाइट कनेक्टिविटी एक्चुअली एक ऐसा सर्विस है जिसके ज़रिए आप जब भी फ्लाइट में बैठोगे तो आपको फ्लाइट के अंदर ही आपको नेटवर्क मिल जाएगा, उधर आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। तो अभी बीएसएनएल एक ऐसा कंपनी है जिसको यह
लाइसेंस मिल गई है, ठीक है, तो यह भी अच्छा खासा क्वेश्चन बन के आ सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, टू फैसिलिटेट एल्डर वोटर्स व्हिच ऐप इज रिसेंटली लॉन्च्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, सहूलत, खिदमत, साथी, दौलत। तो इसका जो सही जवाब है वो है सहूलत, क्योंकि सहूलत नाम का एक ऐप इंट्रोड्यूस किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, जिससे एल्डर लोग इसके ज़रिए मतलब हेल्प ले सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इलेक्शन रिलेटेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक मेयर ऑफ शिकागो, लॉरी लाइटफुट, रैम एमानुएल, जेसिंडा ट्रूडो, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब है वो है लॉरी लाइटफुट, ठीक है। लॉरी लाइटफुट एक ऐसा वुमन है जो फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन मतलब बंदी है, वो फर्स्ट ब्लैक मेयर बनी है शिकागो की, इससे पहले कोई ब्लैक नहीं था। जैसे कि आपको पता होगा फॉरेन कंट्रीज़ में, खास करके अमेरिका में, यह सब प्रॉब्लम दिखाई देता है और कलर बेस्ड पॉलिटिक्स चलता है, तो वहाँ में फर्स्ट ब्लैक मेयर है शिकागो का लॉरी लाइटफुट। ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग याद रखिएगा। फिर है, हाल ही में बनाया गया है यह दिवस, इसलिए मैं सोचा ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए डाल देता हूँ, क्योंकि यह भी पूछा जा सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यह है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल माइंस डे सेलिब्रेटेड, ऑप्शन 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 2 अप्रैल, 1 अप्रैल। इसका जो सही जवाब है वो है 4 अप्रैल। यह रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच टीवी सीरीज हैज़ बिकम द मोस्ट मालवेयर अफेक्टेड पायरेटेड शो, द वॉकिंग डेड, सीक्रेट गेम्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, एरो। तो इसका जो सही जवाब है वो है गेम ऑफ थ्रोन्स। अभी यह क्या होता है मालवेयर अफेक्टेड, मालवेयर मतलब आप लोगों ने सुना होगा वायरस, तो मालवेयर ये मतलब आप जब भी ऑनलाइन किसी भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी ऑनलाइन डाउनलोड करते हो इंटरनेट से, तो उसी के ज़रिए आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि गेम ऑफ थ्रोन्स एक ऐसा टीवी सीरीज है जिसके थ्रू सबसे ज़्यादा वायरस अटैक हुआ है अभी तक, ठीक है। 2018 में कोई भी सीज़न रिलीज़ नहीं हुआ है गेम ऑफ थ्रोन्स का, फिर भी सबसे ज़्यादा वायरस गेम ऑफ थ्रोन्स के थ्रू लोगों के कंप्यूटर में आया है, जो भी मतलब चुरा के डाउनलोड करके देखते हैं यह शो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, गेम चेंजर इज़ द बायोग्राफी ऑफ व्हिच फेमस क्रिएटर, यह बहुत ही जल्द आने वाला है मार्केट में गेम चेंजर, याद रखिएगा। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है किसी भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यह गेम चेंजर एक बायोग्राफी है जो कि शाहिद अफरीदी का है और बहुत ही जल्द मार्केट में निकलने वाला है। तो ठीक है, यह था आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स क्वेश्चन। ऐसे ही हर रोज़ हम आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे, तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर एक वीडियो हम अपलोड करते ही आप देख सकें, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें और भी उत्साह मिलती है नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं आपके साथ एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।